इंदीवरदलश्यामं गुणग्रामं मनोहरं निकामं कामनारामं जितकामं स्वरूपतः लोकाभिराममारामं धर्मद्रुमसमन्वितं श्रीरामं तमहं वंदे विरामं पापकर्मणां। नीलकमल की पंखुड़ियों के समान श्याम, गुणों के ग्राम या समूह मनोहर, निकाम या पूरी तरह कामनाओं के आराम या परिपूर्ण करने वाले, अपने स्वरूप से जित काम या कामदेव को जीतने वाले, लोकाभिराम धर्मद्रुम से समन्वित आराम या उद्यान तथा पाप कर्मों के विराम श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में राम का जो स्वरूप है उस पर हम विचार करेंगे। हम सभी जानते हैं कि संसार की अनेक भाषाओं में रामायण पर काव्य लिखे गए, असंख्य रामायण काव्य विश्व साहित्य में हैं, भारतीय भाषाओं में, संस्कृत में, हिंदी में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, नेपाली और बंगला में, इन सभी भाषाओं में रामायण पर अनेक काव्य लिखे गए। भारत के बाहर के देशों में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में प्राचीन काल से लगाकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक रामायण की कथा को लेकर काव्य उन उन देशों की भाषाओं में लिखे जाते रहे। थाईलैंड में थाई भाषा में रामकीर्ति या रामकियन जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा महाकाव्य है। जावानीज में जिसको कि कवि भाषा कहते हैं, अत्यंत ही सुंदर महाकाव्य मध्यकाल में रामायण की कथा को लेकर लिखे गए। मलेशिया की भाषाओं में, सुमात्रा की भाषा में, वियतनाम या चंपा जिसको कहा जाता था वहाँ की भाषा में, फिलीपींस देश वहाँ की भाषा में, और भी अनेक देशों की अपनी अपनी भाषाओं में रामायण की कथा को लेकर काव्यों की रचना होती रही। और अगणित काव्य जिनकी की गिनती करना असंभव है विश्व में, रामायण को लेकर प्राचीन काल से अभी तक लिखे जाते रहे हैं और लिखे भी जाते रहेंगे। लेकिन जितने जो कुछ भी काव्य लिखे गए संसार की इन सब भाषाओं में, उन सब का मूल वाल्मीकि की रामायण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। और राम के चरित्र की यदि बात करते हैं तो राम का जो चरित्र वाल्मीकि ने अपनी रचना में प्रस्तुत कर दिया वह युग युगों तक आदर्श बना रहा है और बना रहेगा। मैंने वाल्मीकि चरितम नाम से एक महाकाव्य लिखा है। मैंने आरंभ में जो दो श्लोक पढ़े हैं वो भी इसी महाकाव्य के हैं, श्री राम की वंदना के। उस महाकाव्य में वाल्मीकि के संदर्भ में मैंने जो कहा है उसको पढ़ करके फिर मैं उनके राम पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरी जो मान्यता वाल्मीकि के राम के चित्रण के संबंध में है उसका कुछ सार मैंने इन चार श्लोकों में बताने की चेष्टा की है। पूर्ववृत्ता प्रसंगाश्च हस्तामलक सन्निभाः प्रत्यभांत पुरस्तस्य घटिता घटना यथा वाल्मीकिना स्वयं दृष्टा राम जीवन रेखिकाः उन्मील्य तूलिकाभिस्ताः चित्रत्वेन विनिर्मिताः। पूर्व में हो चुके वृत्तांत, घट चुकी घटनाएं और घट रही घटनाएं उन ऋषि वाल्मीकि के आगे इस तरह प्रत्यक्ष होते गए जैसे कि वे उनकी हथेली पर थिरक रहे हों, जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवला साफ दिखाई देता है। वाल्मीकि ने राम के जीवन की रेखाएं जैसी स्वयं देखी, उन्हें अपनी तूलिका से उकेर कर उनसे एक संपूर्ण सर्वांग रमणीय चित्र बना दिया। आगे कहा गया है, ना करिष्यति यदि प्राज्ञः काव्यम रामायणम कवि रामस्य कोऽपि नामापि क्वा ज्ञास्यत् भुवने जनः। यदि प्रज्ञा संपन्न ऋषि कवि वाल्मीकि ने राम की रामायण की रचना न की होती तो राम का नाम भी संसार में कोई कैसे जान रहा होता।
रामः स्वयं यथा दृष्टः कविना क्रांतदर्शिना तस्य सत्यम तथा तस्य चायति स्तेन वर्णिता। उन क्रांतदर्शी ऋषि कवि वाल्मीकि ने जैसा राम को स्वयं देखा वैसा ही उनका सत्य और उनकी आयति या संभावनाएं उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत की। रामो यत् रामताम यातु रावणो रावणायितः जगदम्बायिता सीता वाल्मीकि स्तत्र कारणम्। राम जो राम बन गए, रावण जो रावण बनकर रह गया, सीता जो जगदम्बा हो गई, उसमें वाल्मीकि ही कारण है। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि वाल्मीकि ने राम का जो स्वरूप चित्रित कर दिया उसकी समाज को आज सबसे अधिक आवश्यकता है, और वह स्वरूप केवल वाल्मीकि से ही जाना जा सकता है। उसके लिए हमको पहले यह जानना होगा कि वाल्मीकि ने क्यों रचना की राम की, उनके मन में क्या था। इसका तो रामायण के वाल्मीकि रामायण के आरंभ में ही वर्णित है कि उनके भीतर एक तरह की बेचैनी थी, वो कुछ खोज रहे थे कि क्या मेरे समय में ऐसा कोई मनुष्य है जिसकी गाथा यदि मैं प्रस्तुत करूं तो युगों युगों तक वह गाई जाती रहे, इसलिए कि वह संबल बनेगी, इसलिए कि वह जीवन का आधार बनेगी। यह उनके भीतर एक जिज्ञासा थी और इसको लेकर के उनके मन में सुख बुगाहट थी, खोज थी। तभी नारद उनके पास आए, नारद से उन्होंने पूछा, जो प्रश्न है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान चारित्रेण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित। कौन है हमारे इस समय में सांप्रतम कहा है, तो मेरे अपने समय में क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कि पूरी तरह से गुणवान हो, वीर्यवान हो, पराक्रमी हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्य वाक्य सत्य पर अडिग रहने वाला हो, अपने व्रत का पालन करने वाला हो, चरित्र पूरी तरह से उसका निर्मल हो और लोकोपकार में सदैव लगा रहने वाला हो, सर्वभूतेषु को हितः, सारे संसार के सारे प्राणियों का हित करने में निरंतर लगा रहने वाला हो, विद्वान कह समर्थश्च, वह विद्वान भी हो, जानकार भी हो, चरित्र से बड़ा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी या विद्वान नहीं होगा तब भी संपूर्ण मनुष्य नहीं होगा। कश्चई का प्रिय दर्शन, वो देखने में बहुत भला लगता हो, इतना सब होने पर भी यदि देखने में आकर्षित नहीं करता है तो लोग अपने मन में उसकी मूर्ति कैसे बिठाएंगे। प्रिय दर्शन भी उसको होना चाहिए, आत्मवान को, आत्मस्थ रहने वाला हो, अपने भीतर अडिग हो सकता हो, अपने आप को संभाल सकता हो, जितक क्रोध हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, द्युतिमान तेजस्वी हो, अनसूय का, किसी से ईर्ष्या कभी न करे, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, और इतना पराक्रमी हो कि अगर वो संग्राम में उतर पड़े तो देवता भी कांप उठें। हमारे यहाँ हमारे महाकवियों ने ऐसे ही पराक्रमियों की कामना की है जिनके आगे देवता भी थर्राते हैं, देवताओं के आगे जो नाक नहीं रगड़ते। हमारे कालिदास ने चित्रित किया कि रघु जो भिड़ गया इंद्र से और इंद्र के भी उसने दांत खट्टे कर दिए, क्योंकि इंद्र जो है उसके अश्वमेध का यश चुरा करके ले जा रहे थे उसके पिता का, उसने पीछा किया उनका, भाग रहे थे स्वर्ग तक, उसने पीछा किया और लड़ाई की, मनुष्य है। तो जितने भी देवता हैं वो हमारी ही सृष्टि हैं और मनुष्य अंततः बड़ा है अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, तो ऐसा मनुष्य चाहिए। वाल्मीकि उस मनुष्य की खोज करते हैं। नारद कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्षाम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः नरः। हे मुनि, तुमने तो बहुत सारे दुर्लभ गुण गिना दिए, एक व्यक्ति में इतने सारे गुण मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मनुष्य है तैर्युक्त श्रूयताम नरः, जिसमें सारे गुण हैं, ऐसे नर के बारे में, ऐसे मनुष्य के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो मूल प्रतिज्ञा है कि एक ऐसे मनुष्य की खोज जो कि
सारे समाज के लिए उद्धारक प्रेरक बन सके, जिसकी कथा युगों युगों तक समाज के लिए संबल और आदर्श बनी रहे। उसकी खोज से रामायण वाल्मीकि की आरंभ होती है और राम का चरित्र उनके सामने है क्योंकि राम को देख रहे हैं। केवल नारद दिशा निर्देश करते हैं कि मौजूद है, तुम्हारे सामने ही है, तुम तो खुद जानते हो, देख रहे हो। वाल्मीकि तो स्वयं पात्र भी हैं रावण की कहानी में। राम उनसे मिलने आते हैं, राम को रास्ता बताते हैं, तो राम के जीवन में वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि के भीतर राम है, राम के भीतर वाल्मीकि हैं, दोनों एक दूसरे को देखते समझते हैं। इस दृष्टि से वाल्मीकि राम का चित्रण करते हैं और नारद फिर राम के गुण बताते हैं कि वो हमारे समय में इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी सम्राट हैं, राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभु रामो नाम जनई श्रुता, लोग बहुत मानते हैं उनको। नीतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, वो अपने आप को उन्होंने वश में कर रखा है। द्युतिमान तेजस्वी हैं, धृतिमान हैं, नीतिमान हैं, वाग्मी हैं, बोलने में बहुत बढ़िया बोलते हैं, वक्तृता की कला, वाणी पर उनका अधिकार, यह सब है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजा नाम च हिते रता, बहुत बड़ी बात यह है कि निरंतर प्रजाओं का हित करने वाले, जो वाल्मीकि जानना चाहते थे कि हमेशा लोगों के बारे में सोचने वाला, उनके सुख दुख की खबर रखने वाला और उनके लिए हमेशा लगा रहने वाला परोपकार में, ऐसा आदमी कौन है? और अपने सत्य पर जो अडिग रहता हो, अपने धर्म पर जो अडिग रहता हो, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर वश्य समाधिमान, ये लंबी सूची है। और सर्वशास्त्रार्थ संपन्न, सारे शास्त्रों का जानकार भी हो, स्मृतिवान प्रतिभानवान, स्मृति उसकी अच्छी हो, याददाश्त बहुत अच्छी हो, प्रतिभा कुशाग्र बुद्धि का हो, मेधावी हो, सर्वलोकप्रिय, उसी बात को कहते हैं कि लोग चाहते हो। बहुत बड़ा गुणवाला होते हुए भी संवाद नहीं कर पाता है लोगों से, उसको देखते ही लोगों में ललक नहीं जागती है कि इनसे हम बात करेंगे, ऐसा मनुष्य भी नहीं चाहिए। बहुत ज्ञानी गुणवान हो सकता है, चरित्र में बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन संवादशील नहीं है, लोगों तक पहुंचने की उसके भीतर नहीं है आकांक्षा, लोग उस तक पहुंचने के लिए लालायित नहीं होते हैं, ऐसा भी मनुष्य नहीं चाहिए। ऐसा मनुष्य चाहिए कि सारे गुण तो हों लेकिन जनता उसको हृदय के सिंहासन पर बिठाए और उससे मिलना, उससे बात करना चाहे, वह जनता से मिलना और बात करना चाहे, दोनों के बीच संवाद भी हो सके, ऐसा मनुष्य चाहिए, मनुष्य ही चाहिए, देवता नहीं, ईश्वर नहीं। इसलिए वाल्मीकि रामायण में अपने गुणों से, अपने संघर्ष से, अपने पुरुषार्थ से ईश्वर हो जाता है मनुष्य, उसको ईश्वर के रूप में पूजा करने लगते हैं लोग। तो गांधी जी का मंदिर बना के उनकी भी पूजा करते हैं, इंदिरा गांधी का मंदिर बन गया उनकी भी पूजा करते हैं, द्रौपदी देवी हो ही जाती हैं, उनके मंदिर हैं दक्षिण में उनकी, क्योंकि महान नारी थी, अत्यंत प्रखर तेजस्वी नारी थी अपने समय की। तो जनता उसको हृदय के सिंहासन पर बिठाकर पूजती है जो कि जनता के लिए सचमुच में प्रेरक बन सकता है, लेकिन पूजा करने से तो नहीं सब कुछ होगा। संतोष के लिए पूजा की जा सकती है, आत्मा का संतोष पाया जा सकता है, लेकिन समाज तो नहीं चलेगा, समाज कैसे चलेगा? समाज तो उनके गुणों को उतारेंगे लोग अपने भीतर, अपने चरित्र में, तब तो राम की कथा की सार्थकता होगी। केवल उनका गुणगान करते रहेंगे, उनके नाम के मंदिर बनाते रहेंगे और उनकी पूजा केवल करते रहेंगे, वह भी उसकी उपयोगिता है, लेकिन वाल्मीकि ने जो संघर्ष उनके जीवन का प्रस्तुत किया, तो किस तरह से मनुष्य आगे बढ़ता है और संघर्ष करता है अपने जीवन में, इसका जो उदाहरण उन्होंने रखा, उसको सामने रख कर के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा, समाज तो रुका रह जाएगा, समाज तो पूजा करने और भक्ति करने में ही अटका रह जाएगा, कैसे समाज आगे बढ़ सकता है? ये वाल्मीकि के राम के उदाहरण से हम देख सकते हैं। इस बात को रविन्द्रनाथ टैगोर ने समझा। रविन्द्रनाथ टैगोर महान कवि ही नहीं थे, वे रहस्यदर्शी और दार्शनिक और चिंतक भी थे। उन्होंने रामायण पर बहुत ही
से निबंध लिखे हैं वाल्मीकि की रामायण पर, और उन्होंने कहा है कि यदि कवि वाल्मीकि मनुष्य के चरित्र का वर्णन न करके किसी देवता के चरित्र का वर्णन करते तो उससे अवश्य ही रामायण का गौरव कम हो जाता, उसे काव्य की दृष्टि से क्षतिग्रस्त होना पड़ता। वह इतना महान काव्य जो युग युगों तक गाया जाता रहे और प्रेरणा स्रोत बना रहे, वह नहीं बन पाता यदि वह देवताओं का और ईश्वरों का चरित्र लिखने लग जाते। मनुष्य की महागाथा उन्होंने लिखी, इसलिए रामायण बड़ा काव्य बना। राम के मनुष्य होने से ही राम के चरित्र की इतनी महिमा है। रामायण में देवता ने पदच्युत होकर अपने को मनुष्य नहीं बनाया, ईश्वर धरती पर उतर कर नहीं आया, मनुष्य ही अपने गुणों के कारण देवता बन गया है। इसी रूप में वाल्मीकि को समझा जाना चाहिए। वाल्मीकि की अनुपम सृष्टि में राम परिपूर्ण मनुष्य के प्रतीक हैं, और मनुष्य हैं इसलिए हृदय मनुष्य का उनमें है। मनुष्य तो कभी लड़खड़ा भी सकता है, मनुष्य में कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन संभलता है मनुष्य, यही तो उसकी मनुष्यता है। तो कभी स्खलित स्खलन भी यदि हो तो अपने आप को संभाल सके, ऐसा मनुष्य हमें चाहिए। जिसने कभी चूक ही नहीं की, स्खलन ही नहीं किया, तो वह तो मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। अपने जीवन में जिससे कभी भी कहीं भी कोई भूल ही ना हुई हो, आद्यंत पैदा होने के बाद से अंतिम क्षणों तक, ऐसा तो मनुष्य हो नहीं, संभव नहीं हो सकता। इसलिए हो सकता है कि राम कभी लड़खड़ाए भी हों, लेकिन वो अपने आप को संभालते हैं, इसीलिए तो उनको आत्मवान और वशी कहा गया है। इसलिए आकर्षण है राम के चरित्र का। तो जो राम की विशेषताएं बताई गई हैं उनको मैं एक एक करके लूंगा, सब नहीं ली जा सकती हैं, वाल्मीकि के काव्य से उनके उदाहरण दूंगा, और कैसे वो विशेषताएं आज हम अपने भीतर उतारें तो हम भी राम के जैसे हो सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है, उनका अभ्यास करना, अपने जीवन के संघर्ष में उस राम को एक प्रकाश स्तंभ की तरह सामने रख करके आगे बढ़ना। नारद ने कहा कि सर्वलोक प्रिय, सारी जनता उन्हें चाहती है। इसको आरंभ में ही वाल्मीकि कहते हैं, राम जब राजकुमार थे, युवराज थे, और विवाह भी उनका नहीं हुआ था, राज्याभिषेक तो हुआ ही नहीं था, राज्याभिषेक की चर्चा भी नहीं आरंभ हुई थी उस समय के वर्णन में, अयोध्याकांड के 15वें सर्ग में वाल्मीकि कहते हैं, नहीं तस्मान मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोत्यपाकृष्टुम् अतिक्रान्तेऽपि राघवे। एक बार कोई राम को देख लेता तो उसकी आंखें लगी रह जाती, टकटकी बांधकर वह देखता रह जाता, इतने प्रिय दर्शन वो थे। और आंखों से ओझल हो जाते तब भी उनकी छवि आंखों के सामने बनी रहती कि हमने कैसे आदमी को देखा, भूलना कठिन है। यह उनके चेहरे से आंखें हटाना संभव नहीं होता था, एक बार वो सामने आ जाए तो। इतने प्रिय दर्शन वो थे, केवल सुंदर होने से नहीं बनता है प्रिय दर्शन कोई व्यक्ति, उसमें गुण उसके साथ होते हैं, और जनता से जुड़ने का उसके उसके भीतर एक संवाद पुरुष मौजूद रहता है, तब ना लोग उसकी तरफ टकटकी बांध कर देखेंगे। वो सुंदर हो तब भी थोड़ी देर देख करके भूल जाएंगे, इसलिए सुंदर नहीं कहा है कहीं भी, प्रिय दर्शन कहा है। लोगों को भला लगता है, अच्छा लगता है राम को देखते रह जाना, क्योंकि उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है उनका, वैसा चरित्र बनाए कि लोग आपको खूबसूरत मान के ना सराहें केवल, ये राम का संदेश है। इसलिए कहते हैं, यश्च रामं न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्मनं विगर्हते। वो कहते हैं कि अयोध्या की जनता में राम की क्या छवि थी, वो तो राजकुमार ही थे, लेकिन जिसने
जिस राम को नहीं देखा और जिसको राम ने नहीं देखा उसको लोग कहते थे कि अरे क्या तुम्हारा जीवन ही बेकार गया, निंदिता सर्व लोकेशु, लोग उसकी भर्त्सना करते कि तुम कैसे अभागे हो, तुम राम की दृष्टि में नहीं पड़े और राम पर तुम्हारी आंखें नहीं पड़ी तो जीवन ही नहीं तुम्हारा सफल हुआ। और वो स्वयं भी अपने आप को धिक्कारता कि अरे मेरा कैसा जीवन है कि मैंने अभी तक राम को देखा ही नहीं। सब लोग उनकी ऐसी तारीफ करते हैं, सब लोग उनको देखना चाहते हैं। ये अयोध्या वाल्मीकि कहते हैं कि तभी अयोध्या है जब राम उसमें है। सच्ची अयोध्या वही है जहां की राम है, केवल मूर्ति उनकी नहीं है, सचमुच में जीवंत रूप में भीतर हमारे राम यदि हैं तब हमारे भीतर अयोध्या है। वेद भी यही बताते हैं कि अयोध्या तो मनुष्य के भीतर है। तो वनवास के समय राम जा रहे हैं तो सारी जनता उमड़ पड़ती है राम के पीछे जाने को। इस प्रसंग को तो फिर सभी रामायणों में लिया गया, रामचरितमानस में भी जो तुलसीदास का है, अन्य रामायणों में भी, कि लोग कहते हैं कि हम ऐसी अयोध्या में ही नहीं रहेंगे जहां राम नहीं है। और क्या शब्दावली है, उस तरह की शब्दावली में फिर नहीं बात कही गई। लोग कहते हैं कि ये हमारे घर जिनमें की सारी संपत्ति है के कई उसको सेंत करके रख ले, अपना कब्जा कर ले, हम तो इनको छोड़ करके जा रहे हैं राम के पीछे, इनमें चूहे दौड़ेंगे, अब कोई नहीं रहेगा, सूनी हो जाएगी अयोध्या, हम सब चले जाते हैं यहाँ से। इसी तरह से लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं राम के जाने के, वो तो राम है कि किसी तरह उनको समझा बुझा करके लौटाने का प्रयास करते हैं, जब बात नहीं बनती है तो वो चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, लोग दुखी होकर वापस लौटते हैं। यह प्रसंग भी वाल्मीकि और अन्य रामायणों में आता है। लेकिन राम जो है जन जन की चेतना से एकाकार हो चुके हैं, लोग उन्हें अपना मानते हैं, तभी ना सब लोग निकल पड़ते हैं घरों से बाहर। तो यह मानवीयता जो है, आदमी चरित्र से भी बड़ा हो सकता है, ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन वाल्मीकि तो यही पूछते हैं कि मनुष्य पहले होना चाहिए, मनुष्य हमें चाहिए, लोग पूजा करें देवता माने वो नहीं, आदमी इंसानियत उसमें हो, मनुष्यता उसमें हो, ऐसा चरित्र हम गढ़ना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं। तो राम किस सीमा तक प्रेम करते हैं मनुष्य से और कितने संवेदनशील हो सकते हैं वे, पराकाष्ठा संवेदनशीलता की जो हम वाल्मीकि के राम में देखते हैं, उसको एक उदाहरण से ही मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि सीता के हरण के बाद राम बहुत ही दुखी हैं, कितना विलाप करते हैं सीता के लिए क्योंकि बहुत चाहते थे सीता को। फिर हनुमान संदेश लेकर के आते हैं सीता को, सीता को खोज लेते हैं और राम को बताते हैं कि मैंने सीता देवी को देखा है, उनका संदेश देते हैं, तो राम को कैसा लगा होगा, और उनको लगा कि हनुमान ने इतना बड़ा काम किया, ऐसा तो और कौन मेरे लिए करता। प्रशंसा करते हैं कि बहुत बड़ा काम तुमने कर दिया हमारे लिए, बल बुद्धि पराक्रम अपूर्व है तुम्हारा, बुद्धिमत्ता तुम्हारी अपूर्व है, ज्ञानी भी हो। उसके बाद कहते हैं कि मय्येव जीर्णताम यातु यत् तवोपकृतम हरे नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमपि कांक्षति। हे हरि, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, तुमने जो उपकार हमारे लिए किया है, तुमने इतना बड़ा जो हमारा काम कर दिया, उसको मैं भीतर ही भीतर अपने पचा जाऊं, मेरे भीतर ही वह जीर्ण हो जाए, भूल जाऊं या नहीं कहते, मेरे भीतर वो पच जाए, हमेशा याद तो रखूं कि तुमने मेरे लिए क्या, लेकिन बाहर नहीं आएगा कभी, अब ये नहीं सोचूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्योंकि जैसे ही यह आदमी सोचता है, ये साधारण मनुष्य की बुद्धि होती है कि इन्होंने बड़ा काम हमारे लिए किया, अब हम इनके लिए क्या करें,
जैसे ही यह बात मन में आती है कि इनके लिए क्या करें, वैसे ही यह मन में आता है कि कभी इन पर भी विपत्ति आएगी। हमने किसी से रुपये उधार लिए, लौटाने जाते हैं तो कहते हैं कि जरूरत पड़े तो बताइएगा। जैसे ही कहते हैं कि जरूरत पड़े तो बताइएगा, हमारे मन में कहीं ये बात रहती है कि इन पे भी बीतेगी कभी, जैसे हम संकट में पड़ गए, उधार लेना पड़ गए, कभी न कभी इन पे भी आएगा, बीमार पड़ेंगे तो हम सेवा कर देंगे इनकी। ये तो सच्चा प्रेम नहीं है, ये तो सच्चा लगाव नहीं है। राम कितने संवेदनशील हैं, वो ये कहते कहते तुरंत रुक जाते हैं कि मैं कुछ करूं तुम्हारे लिए, क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही ये बात आएगी मन में कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, वैसे ही उसके भीतर कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि तुम्हारे ऊपर भी कभी दिक्कत आएगी। क्यों सोचूं मैं, जिस आदमी से मेरा इतना लगाव है उसके लिए मैं कैसे सोचूं? अरे दिक्कत आएगी तो राम तो प्राण निछावर कर ही देंगे उनके लिए, कहने की बात थोड़ी है, कहने की बात नहीं होती है। जैसे ही कहने को होता है आदमी, उसके मन में ये बात हो जाती आ जाती है कि इस पर भी कभी बीते, ये तो आप उसका बुरा सोचने लग गए उसका उपकार करने के लिए। राम इतनी इतनी गहराई से संवेदनामय हैं कि अपनी जवान पर ऐसा शब्द नहीं वो आने देते कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे, ये स्वार्थ बुद्धि भी होगी, उपकार के बदले प्रत्युपकार, हम कुछ करके निपट जाते हैं, आपने हमें उधार दिया, हम कभी आपका भला कर देंगे, ये तो सांसारिक संबंध है। तो जो सच्चा लगाव है किसी से, जैसा कि हनुमान से राम के प्रति है, जैसा कि हनुमान का राम के लिए है, जो सच्चे अनुराग के संबंध हैं, उनमें तो इस तरह का सवाल नहीं आता है कि बदले में मैं क्या कर दूं, इस तरह का सोच ही नहीं आता। बदले में तो हम एक प्राण हैं, बदले की चुकाने की तो कोई बात ही नहीं है, अलग हम यही नहीं। जहां अलगाव होता है, लगाव नहीं होता, वहां इस तरह की बात जबान पर आती है, राम के जबान पर इस तरह की बात नहीं आती। लेकिन इतना प्रेम, इतना लगाव अपने लोगों से, अपने सारे वानर सेना से, तभी तो लोग सब, सारा वानर समाज उनके साथ चल पड़ता है, जिस तरह से अयोध्या के लोग चल पड़ते हैं उसके साथ, जैसा वाल्मीकि चाहते हैं कि सांसारिक ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान, प्रज्ञा, प्रत्युत्पन्न मति और बुद्धि, मेधा, धृति, ये सब भी होने चाहिए। तो देश कालज्ञता होनी चाहिए, देश काल सोच करके बात करते हैं राम संकट के समय। वे कितनी अच्छी तरह परिस्थितियों को समझते हैं, ये तो राम को बारीकी से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि राम कितना समझ रहे थे। राजमहल में जो संकट था उसको केवल राम ही समझ रहे थे, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे। बाद में जब वो चर्चा करते हैं, लक्ष्मण को बताते हैं कुछ, तब सामने आता है कि अंतपुर में, राजमहल में सारी राजनीति, उसको राम कितनी गहराई से समझते थे। उन दशरथ उनको बुला के कहते हैं कि कल ही तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा, श्वस्ताम अभिषेक्षामी यो राज्य परंतप, तुम्हारा मैं कल ही राज्याभिषेक कर देता हूँ, जब तक भरत बाहर हैं तभी तक ये काम निपट जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त का कुछ कहना नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसके मन में क्या बात आ जाए, राजनीति है बड़ा गहन, कौन कब क्या सोच ले, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा हो जाए, क्योंकि दशरथ अपनी प्रजा को बहुत चाहते हैं। कुछ नादानी तो उन्होंने कर दी, कैकेयी से विवाह कर लिया, बूढ़े थे और एक युवती से विवाह कर लिया, कम उम्र की राजकुमारी से, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुए, वो वचन दे दिया, राज्य शुल्क पर विवाह किया दशरथ ने, ये वाल्मीकि बताते हैं, अन्य रामायण बताती हैं या नहीं बताती, लेकिन सत्य तो यह है, यथार्थ तो यह है कि वचन दे दिया था कि इसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, केकई राज को, केकई के पिता को ये वचन दे करके विवाह कर लिया, और केकई को भी ये मालूम था कि मुझसे विवाह शर्त पर हुआ है, ये राम को मालूम था, अच्छी तरह से मालूम था, लेकिन उस पिता की आज्ञा, पिता के सामने जो मर्यादा है उसके कारण चुप रहते हैं। कितना बड़ा बोझ उनके मन पर रहा होगा, सारी बात जानते हुए उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया, क्योंकि सारी प्रजा तुम्हें चाहती है। तो राम तो कितने बड़े धर्म संकट में है, सारी स्थिति वो जानते हैं कि मेरे पिता ने वचन देकर के विवाह किया है तो भरत को राजपद दिया जाना चाहिए, सारी प्रजा का आग्रह, मंत्रिमंडल का, मंत्रियों का आग्रह, पिता का आदेश, सिर झुकाए हुए खड़े हुए, और जब
कुछ ही देर बाद कैकेयी वरदान मांगती है और राम को पता चलता है तो चेहरे पर कोई शिकन नहीं, न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोप करशती। राज्य छिन गया, कल ही राजपाट मिलने वाला था, कोई चिंता नहीं, राम कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वास्तविकताएं क्या हैं। कैकेयी को समझाते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, रामो द्विर नाभिभाषते, मैंने कह दिया कि मैं पिता का वचन मानता हूँ, मैं तुरंत वन चला जाऊँगा, तो मैं जा रहा हूँ, आप अपने बेटे के लिए राजपद चाहती हैं, उनको मिलेगा। बहुत प्रसन्न वदन होकर के कहते हैं, क्योंकि मन से एक बोझ भी हट गया है। प्रजा की सेवा करना चाहते थे राजा के रूप में, लेकिन जो होना चाहिए था वह हो गया, तो प्रसन्न होकर के जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब अपनी माता से मिलने जाते हैं तो चिंता की रेखाएं उनके चेहरे पर हैं, और उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन वाल्मीकि ने किया है कि कौशल्या के भवन में जब प्रवेश करने लगे तो वही राम जो कि हंसते मुस्काते हुए निकले थे कैकेयी को वचन दे करके, वो अपनी माँ से मिलते हुए एकदम चिंतातुर हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जब तक हूँ तब तक मेरी माता सुखी रहेंगी, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से तो पता नहीं क्या होगा। वो आशंका उनको है, कौशल्या तो साफ बताती है कि मुझे बहुत सताया जाएगा, मैं वैसे भी उपेक्षित हूँ, कैकेयी की तरफ बड़ा प्रेम है महाराजा का, उसी के महल वो बने रहते हैं, बाकी जो रानियां हैं वो उपेक्षित हैं, तो मेरी क्या दशा होगी, तुम जब तक हो तब तक मुझे आसरा है, ये सब वो कहती हैं। सा बहू न्यमनो ज्ञानी वाक्यानि हृदय अच्छिदाम, मुझे हृदय को बीनने वाले वाक्य सुनना पड़ेंगे, मुझे पता नहीं क्या क्या सुनना पड़े। सपत्नी नाम अवरा सती, तुम्हारे रहते हुए यह सब मैं सह लेती थी, लेकिन तुम नहीं रहोगे तो कैसे सहूंगी। माँ का दुख वो जानते हैं, इसलिए राम जाते जाते भी अपने पिता को समझाते हैं कि मेरी सभी माताओं का बराबर आप ध्यान रखिएगा। जो उनको आशंका है कि राजा के अंतपुर में तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है, दास दासियां तक षड्यंत्र करते हैं, इसलिए ये जो व्यवहार का ज्ञान है यह राम का बराबर बना हुआ है, सारी उनकी संवेदनशीलता, जनता का लगाव, सारे आदर्श, लेकिन जो यथार्थ है जीवन का उसको ये बहुत बारीकी से समझते हैं, और केवल राम ही समझ रहे हैं। पूरी रामायण में आप देखते हैं कि ना तो दशरथ समझ पाए हकीकत को, ना कैकेयी, ना वो बाकी कोई, राम इस हकीकत को समझ रहे थे। तो जब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो राम कहते हैं कि तुम भी यदि चल दोगे तो यहाँ पता नहीं क्या होगा, तुम रहोगे तो तुम निगरानी रख सकोगे, संभाल सकोगे हमारी सब माताओं को। मयाद्य स सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम, को भोजयिष्यति कौशल्यां सुमित्रां मा यशस्विनीं। मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा का कौन ध्यान रखेगा, उनके भोजन पान का ही कौन ध्यान रखेगा यदि तुम भी चल दोगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सब आशंकाएं जो कि दूरदृष्टि उनकी है कि ऐसा हो सकता है, संभव है कि ऐसा न हो, लेकिन आशंका तो है ही, इसलिए किसी को यहाँ रहना चाहिए, तुमको तो यहाँ रहना ही चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। ये सब बातें वो समझाते हैं। बाद में जब लक्ष्मण बहुत कोसते हैं कैकेयी को कि कैसा बुरा उसने किया, वनवास के समय दुखी हो रहे हैं लक्ष्मण, तो राम समझाते हैं कि भैया जो कुछ हो गया ठीक हो गया, पुरा भ्रातः पिता न समातरम ते समुद्वहन, माता महे समाश्रोषित राज्य शुल्क मनुत्तमम। बहुत पहले की बात है कि हमारे पिता ने जब हमारी तीसरी माँ से विवाह किया कैकेयी से, तो माता मह मतलब नाना जी को उन्होंने कैकेयी राज को, कैकेयी के पिता को उन्होंने राज्य शुल्क का वचन दिया था कि इसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा, तो यह ठीक हो गया, अब उसमें क्या दुख करना, उसने वरदान भी मांग लिया तो ठीक ही किया। ये जो सारी यथार्थ स्थितियां हैं जिनको कि बाद में रामायण में लोग नहीं चित्रित करते, तो सच्चाई तो वही थी। सच्चाई को भुला करके आप रामायण की कथा कहेंगे तो
इतिहास के साथ न्याय तो नहीं हो सकेगा जो वाल्मीकि ने किया। इस सारी सच्चाई के बीच राम अडिग रूप में अपने चरित्र पर दृढ़ इस रूप में सामने आते हैं और सीता को भी वे समझाते हैं वनवास के समय। वो चिंतित होते हैं कि तुमको ध्यान रखना होगा अपनी सारी सास माताओं का, श्वश्रुओं का, इसलिए तुमको यहाँ रहना चाहिए। और सीता के प्रति बड़ा गहरा अगाध प्रेम उनके मन में है, तो यह अकेली यहाँ रह जाएगी तो क्या इसका होगा, यह भी चिंता है। तो बहुत करुण चित्र वाल्मीकि ने खींचा है। कौशल्या से जब मिलने जाते हैं विदा लेने के लिए, तब कितने मन में उनके दुख है। और सीता को जब बताने जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुमको यहीं रहना है, तो रामस्थ भ्रशमायस्तो निश्वसन निव कुंज रहा। उस समय हंसते मुस्कुराते हुए विदा नहीं लेते सीता से, क्योंकि ये तो पति पत्नी की विदाई है। कैसे है इतनी फूल जैसी राजकुमारी यहाँ छूटी रह जाएगी और मेरे बिना वह कैसे रहेगी, मैं तो फिर भी रह लूंगा। लेकिन वो कोमल हृदय की लड़की है, अवस्था ही उसकी ज्यादा नहीं है, तो यह चिंता उनके भीतर है। और इस चिंता के साथ सीता को समझाते भी हैं, लेकिन सीता तो बहुत तेजस्वी क्षत्रियाणी है। वह तो राम से हंसी करने लगती हैं, उस समय टिटोली करते हुए कहते हैं कि तुम पुरुष हो या क्या हो, तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुम्हारे परेशानी का कारण बन जाऊंगी, मेरी तुमको देखरेख करना पड़ेगी, मेरी चिंता रहेगी वनवास में, मैं तुम्हारे आगे तुम्हारे रास्ते के कांटे रोनती हुई आगे आगे चलूंगी, मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी शक्ति बनकर के तुम्हारे साथ चलूंगी, ये सीता कहती हैं। विनोदशील सीता हैं, राम भी हंसी हंसी में उनकी बात सुनते हैं। यह संबंध दोनों का है, जो दाम्पत्य संबंध है उसकी बहुत बड़ी कविता वाल्मीकि रामायण बनती है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जितेंद्रिय हैं, जितक क्रोध हैं, यथार्थ की गहरी पकड़ रखते हैं, उतने ही बड़े वे एक अनुरागी हैं, सीता के प्रति अनुराग रखने वाले। दाम्पत्य का जो आदर्श राम ने रखा, उसके कारण समाज, भारतीय समाज बहुत कुछ बना टिका रहा है। क्योंकि किसी धर्मशास्त्री ने यह नहीं कहा कि आदमी एक ही विवाह करे। एक किसी धर्मसूत्र में मुझे मिला, मैं उसको याद नहीं है, पचासों धर्मसूत्र लिखे गए, बोधायन का, पाराशर का, पचासों स्मृतियां लिखी गई, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति। किसी ने यह नहीं कहा कि पुरुष को चाहिए कि एक विवाह करे और एक पत्नी व्रत निभाए। ये तो राम आदर्श रख करके गए और लोगों ने जाना कि ये कितना बड़ा आदर्श है, इसको कम से कम निभा लो तो उबर जाओगे। बहुविवाह कितना खतरनाक है, उससे किस तरह से परिवार टूटते हैं। दशरथ ने बहुत सारे विवाह किए, उसी से तो सारा अनर्थ का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये एक पत्नी व्रत का जो आदर्श राम ने रखा और इस सीमा तक रखा कि सीता का त्याग उनको करना पड़ा। प्रजा से इतने एकाकार थे कि जो प्रजा सोचती है वही मेरा सोच फिर हो गया, प्रजा की संवेदनाएं मेरी संवेदनाएं हो गई। अगर एक वर्ग समाज का ऐसा है जो ये सोचता है कि सीता का राम के साथ रहना अच्छा नहीं है, तो जब तक उसको विश्वास ना हो जाए कि सीता पवित्र है और उसको साथ में रहना चाहिए, जब तक वो सब लोग मान न लें, तब तक एक राजा के रूप में मेरा जो जनता से लगाव है वो चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए सीता का परित्याग कर देते हैं वाल्मीकि के राम। सीता कभी शिकायत नहीं करती, बाकी सारी नारी समाज की स्त्रियां शिकायत करें और राम को लांछित करें, कभी भी लांछित करते हैं। लोक गीतों में राम को लांछित किया जाता है कि उन्होंने बिना अपराध के अपनी पत्नी को त्याग दिया। हमें तो लगता है कि हाँ, एक निरपराध स्त्री को त्याग दिया है तो कितना गलत हुआ, लेकिन सीता जिसको कि त्यागा गया था उसने तो कभी कहा ही नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि कितना गहरा प्रेम मुझसे राम को है। मुझे सजा उन्होंने नहीं दी है, उन्होंने प्रजा का सारा जो कुछ कामना है वो अपने ऊपर लेते हुए अपने आप को सजा दे डाली, बहुत बड़ी सजा। क्योंकि राम ने जो दुख भोगा सीता के त्याग करने के बाद, उसको तो
भवभूति की वाणी से ही जाना जा सकता है, जो वाल्मीकि के अनुसार कथा फिर से लिखते हैं कि कितना गहरा दुख उनके मन में है, और किसी रामायण में फिर यह नहीं आया। तो ये जो संवेदनशीलता, जो गहरा दुख, करुणा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण का जो प्रधान रस है वो करुणा है, भक्ति का रस नहीं है, श्रृंगार भी नहीं है, करुणा की महागाथा है। तो राम की जो करुणा है, वो सीता की जो वेदना और राम की जो वेदना है उसकी कथा है। तो उस वेदना से गुजर करके मनुष्य महान बनता है, ये हम राम के चरित्र के द्वारा और सीता के चरित्र के द्वारा यहाँ पर देखते हैं। बहुत सारी बातें हैं राम के चरित्र के बारे में, और जैसा मैंने कहा कि कहीं कहीं कमजोरी के क्षण आते हैं, मनुष्य है तो अत्यंत गहरे दुख के क्षणों में कभी कभी कमजोर पड़ता है, कैसे अपने आप को संभालता है वह जब तक नहीं बताया जाएगा तब तक बाकी लोग कैसे सीखेंगे कि गहरे दुख से गुजरते हुए कैसे संभाला जाए अपने आप को। तो राम को स्मृतियां आती हैं बार बार, प्रेम बहुत करते थे अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी प्रजा से, उन सबको छोड़कर के चले आए, तो उनकी यादें तो आएंगी। बाकी रामायणकारों ने तो लिखा ही नहीं कि कैसे उनके मन में कैसी कचोट है कि क्या होगा, क्या हुआ होगा अयोध्या के लोगों को जिनको कि मैं छोड़ करके आया हूँ, क्या हुआ होगा महाराज दशरथ का, उनको तो पता नहीं है कि दशरथ तो गुजर गए, इतना प्रेम करते थे अपने बेटे राम से कि झेल नहीं सके उस दुख को, उस वेदना को, कि जो वचन दे दिया था उसको निभाने के लिए केकई को वचन दिया और केकई के पिता को वचन दिया, दोहरा वचन था, उसे निभाने के लिए कितना टूट गया मैं, कि प्रजा का सारा असंतोष मेरे ऊपर, प्रजा की जो इच्छा है उसको नहीं निभा सका, जो कि मेरे जीवन का व्रत रहा कि प्रजा को संतुष्ट रखूंगा, वो व्रत में मुझे तोड़ देना पड़ा। ये सब जो दुख उनके भीतर था उसके कारण हृदय टूट गया, और दशरथ गुजर चुके, राम को इस समय पता नहीं है चित्रकूट में जब वो हैं, भरत मिलाप नहीं हुआ है, तो चिंता कितनी उनको भीतर है कि रात को उनको नींद आती होगी या नहीं। ध्रुव मध्य महाराजो दुखम स्वपिति लक्ष्मण, पता नहीं आज पिताजी को नींद आई होगी या नहीं, ये सोच रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं लक्ष्मण से, रात के समय नींद नहीं आ रही, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि पिताजी को नींद आ रही होगी या नहीं पता नहीं। माता केकई तो संतुष्ट होगी क्योंकि भरत को राजपाट देना चाहती थी, भरत आ गए होंगे, राजपाट उन्होंने ले लिया होगा, केकई संतुष्ट होगी, भरत भी ठीक ठाक ही होंगे, लेकिन बाकी लोग, बाकी माताएं, उन वो क्या झेल रही होंगी, कैसे वो होंगी, और पिता पर अनुराग बहुत है तो वो कितने अकेले पड़ गए होंगे। ये कहते हैं अनाथश्च अनाथश्च ही वृद्धश्च मया चैव विना कृतः, मेरे ऊपर इतना उनको प्रेम था और मेरा उनको बड़ा सहारा था, अनाथ वे हो गए होंगे इस समय, बूढ़े हैं वो बहुत, और मेरे बिना किम करिष्यति धर्मात्मा, धर्म प्राण है दशरथ, धर्म निभाने के लिए प्राण उन्होंने दे दिए और केकई के वश में वो रहे हमेशा, तो अब क्या हालत उनकी होगी, इसकी चिंता राम को करते हैं, इसकी चिंता राम करते हैं। तो मेरी माता कौशल्या और मेरी माता सुमित्रा कैसी होंगी, अपी दानीम तो केकई सौभाग्य मद मोहिता कौशल्याम च सुमित्राम च सा प्रवादे तो मत कृते, ऐसा तो नहीं है कि माता केकई मेरी माता कौशल्या और सुमित्रा को कहीं सता रही होगी, ये भी सोचते हैं। ये साहस चाहिए ये सब लिखने के लिए, जिस वाल्मीकि ने जिस राम को सिरजा, वो ऋषि हैं, वो कह सकते हैं राम के मुंह से ये सब कहलवा सकते हैं सच्चाइयाँ, वो सच्चाई तो है, ये सब चिंताएं तो होनी चाहिए, जो सच्चाई को जानता है उसके भीतर होंगी ही, तो अगर तुलसीदास ने नहीं लिखा, कम्ब रावणकार ने यह सब नहीं लिखा, राम के भीतर जो चिंताओं का ताना बाना है उसका चित्रण यदि नहीं किया, तो वाल्मीकि से तो जानना चाहिए हमको कि एक मनुष्य के रूप में राम किस तरह से संकट को झेलते हैं और उससे उबरते भी हैं। बहुत सारे गुह्य पक्ष जो उनके चरित्र के हैं वो वाल्मीकि इस तरह से उकेरते हैं, और कभी कभी कितना गहरा संकट राम के ऊपर है कि उनके लिए लक्ष्मण सहारा बन जाते हैं, ऐसे संकट की घड़ी में जब सीता का हरण हो जाता है और राम टूट जाते हैं तब लक्ष्मण उनके लिए सहारा बनते हैं, जब एक
कबंद राक्षस सीता को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और भागने लगता है। तो राम जो कुछ कहते हैं वो कितना कोमल हृदय का व्यक्ति राम है ये हम उसमें देखते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि किसी पुरुष के लिए कितना बड़ा अपमान होता है कि उसके देखते देखते कोई उठा करके ले जा रहा है उसकी, और मेरे लिए तो एक कैसे मैं इसको बर्दाश्त करूंगा यदि सीता को मैं नहीं वापस ला सका, वो भाग गया लेकर के। लक्ष्मण उस समय उनको समझाते हैं कि हम दोनों लड़ते हैं, कबंद तो बड़ा दुर्दांत राक्षस है जैसा उसका स्वरूप है, वो एक हाथ उसको वरदान है कि एक हाथ फैलाएगा उसमें जितना आ जाएगा उस सबको खा लेगा। तो उसने हाथ बढ़ाया और सीता तुरंत उसके उसमें आ गई, उसको वरदान मिला हुआ था ऋषि का, वो शाप मिला था उसमें उसको एक छूट दी गई थी कि वो अपने हाथ से सब कुछ, एक हाथ से तो सब कुछ कर ही सकेगा। तब दोनों भाई मिलकर के किस तरह से उसके हाथ को काटते हैं बड़ी कठिनाई से, ये मनुष्य का जो संघर्ष है, दोनों उस समय प्राणपण से भिड़ जाते हैं राक्षस से। ऐसे संकट के समय मनुष्य अपना धैर्य न खोए और जूझता रहे तो उबरता है, यही संदेश वाल्मीकि देना चाहते हैं कि कल्याणी वत गाथे हम लौकिकी प्रतिभाति माम ऐति जीवंत मानंदो नरम वर्ष शतादपि। 100 वर्ष की आयु मनुष्य की होती है, निरंतर उसको संघर्ष करते रहना चाहिए, अवश्य ही उबरेगा संकटों से। जीवन का जो आनंद है, जीवन आनंदमय है, वो जानेगा लेकिन संकटों से गुजर करके जानेगा। तो राम तो एक मनुष्य के रूप में सचमुच में इतने गहरे संकट और त्रास से गुजरते हैं और उससे उबरते भी हैं, कैसे उससे उबरना है ये अपने धैर्य से वे फिर अपने आप को संभाल करके उबरते हैं और हमें बताते हैं। ऐसे कई क्षण राम के जीवन में आते हैं जबकि लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं, इंद्रजीत की जो शक्ति है उससे मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण पर कितना गहरा प्रेम उनको है, वो शंका है कि वे जीवित होंगे या नहीं, सुषेण वैद्य अभी नहीं आया है। राम को बहुत चिंता है, अपने प्रेम के कारण चिंता तो होती ही है, एक मनुष्य के रूप में लक्ष्मण के लिए उनकी जो गहरी चिंता है, तो इतने ज्यादा वे कातर हो जाते हैं कि बाकी लोगों से कहने लगते हैं कि आप लोग चले जाइए, अब कोई उम्मीद नहीं, लक्ष्मण मेरा भाई इस तरह से पड़ा हुआ है, सांस वापस उसकी आएगी या नहीं, अब मुझे ही आप यहाँ छोड़ जाइए, मैं इसको संभाले रहूंगा लेकिन अब कोई आशा नहीं है। सुग्रीव से कहते हैं कि अब चले जाओ यहाँ से, अंगद को लेकर के सारी वानर सेना को लेकर के चले जाओ, मुझे अपने भाई के पास छोड़ दो, अब कोई आशा ही नहीं बची तो किसके लिए लड़ना, किसके लिए युद्ध करना, आप लक्ष्मण था मेरे साथ तो उसके साथ में युद्ध कर रहा था। ये जो प्रेम के कारण इस तरह से राम बोलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में संभाल लेते हैं जब विभीषण आते हैं कि सुषेण वैद्य आ रहा है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये जो उतार चढ़ाव जीवन के एक मनुष्य के जीवन में आते हैं, उनसे मनुष्य कैसे उभरता है, ये राम के चरित्र से हम सीखते हैं। अपने दुखों में अपने आप को हम संभाल सकते हैं यदि राम का चरित्र सामने है। इस समय बहुत दुख के समय में हम हैं, बड़ा संकट का यह काल है, तो कैसे कौन सा चरित्र हमारे सामने हो कि उससे हम सीख सकें। जो वाल्मीकि ने सवाल किया था कि हमारे इस समय में कौन है जिसको कि एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हम समाज के सामने रख सकें, तो राम का चरित्र अभी भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य संघर्ष करता हुआ कैसे अपने संघर्ष में विकट संकटों से उबर सकता है, ये राम के उदाहरण से हम आज भी बता सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि पूजा करना है मूर्ति बना करके तब तो बहुत अच्छा है, करते रहना चाहिए, लेकिन जो जीवन का यथार्थ है उसमें जो राम काम आएगा वो वाल्मीकि का राम काम आएगा, और जो प्रेम है वो अन्य किसी राम में वैसा नहीं है, जो लगाव संवेदना गहरी संवेदना जो राम के मन में सीता के लिए है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि रावण विजय की कथा भर यह नहीं है, राम के पराक्रम की गाथा भर यह नहीं है, यह सीता और राम के प्रेम की कथा है, यह दाम्पत्य जीवन की महागाथा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। यह तो स्मृतिकार भी कहते हैं कि चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है, क्योंकि पालता पोसता तो वही है
गृहस्थ ही संघर्ष करके बाकी 3 आश्रमों के लोगों को जिंदा रखता है। गृहस्थ होना सबसे बड़ी बात है। तो ये जो गृहस्थाश्रम की गरिमा और गृहस्थाश्रम में दाम्पत्य प्रेम की जो गरिमा और गाथा, महागाथा और अनुराग है एक दूसरे के लिए, उसकी कथा वाल्मीकि रामायण बनती है इस रूप में। सीता के लिए राम के मन में जो वेदना है और जो प्रेम है, सीता नहीं है तो कैसा वो अनुभव करते हैं। वो कहते हैं केदारस्य व केदार शोधकस्य निरुधक जीवंतीम ताम क्षणोमी क्षणोमी यत, ऐसा वो कहते हैं। जैसे एक सूखी क्यारी सींची हुई क्यारी से जुड़ करके और जी उठती है, ऐसे ही मैं जी उठूंगा, जी जाऊंगा यदि इतना भर पता चल जाए कि सीता है, मौजूद है। ये कितनी गहरी चिंता उनको है कि बाकी सब हो रहा है जो है ठीक है, कोई हर ले गया, पता नहीं कहाँ है कैसे है, लेकिन जीवित है ये तो कोई आकर के मुझे बता दे कि है वह। ये जो एक प्रेम में मनुष्य को चिंता होती है इस रूप में, और किसी ने फिर नहीं कहा कि, और ये उपमा इस तरह से ये जो आई है और जो गहरी वेदना है राम के भीतर, जो गहरी वेदना है, कहता है कि क्या करूं, कहते हैं कि क्या करूं, इस सागर में धस करके सो जाऊं क्या, इतनी गहरी पीड़ा वेदना मेरे भीतर है। अवगाह्यार नवम सबसे राम कहते हैं कि भवेतत् कामयानस्य शक्यमेतेन जीवितम जीवितुम यदहम साच वामरु रेखाम धरणिमाश्रितम। यही दिलासा अपने मन को दे सकता हूं इस समय कि इसी धरती पर कहीं वह है और इसी धरती पर कहीं मैं हूं। चाहे कितनी ही बड़ी यह धरती हो, कभी न कभी इसको नाप करके मैं उसको पा ही लूंगा। है तो इसी धरती पर, परलोक तो नहीं चली गई है और किसी लोक में तो नहीं है, क्योंकि हनुमान बता चुके हैं कि है लंका में। तो इतनी वेदना इतनी पीड़ा है, लेकिन बार बार इसी बात से मैं अपने आप को दिलासा देता हूं कि इसी धरती पर, इसी धरती को उसके कदम छू रहे हैं, इसी धरती को मेरे भी कदम छू रहे हैं, यह राम कहते हैं। और केदारस्य व केदार शोधकस्य निरुद्धक उपस्नेहे न जीवामी जीवंतीम यह क्षणोमिताम। यह उन्होंने, यह वाल्मीकि की उपमा है। खेत में जब पानी दिया जाता है तो सींची गई क्यारी में जो थोड़ा सा मुहाना रहता है उससे सूखी क्यारी अपने आप सींच जाती है। तो मुझे इतना भर कोई बता दे कि सीता है, मौजूद है, वह जीवित है, तो जैसे सूखी क्यारी जी उठती है वैसे ही समाचार से मैं सींच जाऊंगा, जी लूंगा मैं। ये सारा मई भावो ही वेधेयस्तत्व तो विनिवेशिता ममापि भाव सीतायाम सर्वथा विनिवेशिता। अपने प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मैं एकाकार हूं सीता से, मैंने अपने हृदय का संपूर्ण भाव सीता में समाहित कर दिया, मैं एक हो गया, मैं अलग ही कहां हूं। इसलिए जिसको निर्वासित किया वह कोई अन्य नहीं था, राम ने अपने आप को निर्वासित किया सीता का। उन्होंने जब निर्वासन किया प्रजा के लिए, उन्होंने अपने आप को निर्वासित कर लिया। यह भी तो संभव नहीं था कि वो खुद चले जाते सीता के साथ में, क्योंकि कोई तैयार नहीं हुआ, सबने हाथ उठा दिए कि नहीं, राम ने तो बुला करके कहा था कि तुम लोग स्वीकार कर लो, मैं अब राज करना नहीं चाहता। इतनी गहरी उनको पीड़ा थी, जैसे ही सुना उन्होंने कि सीता के बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो सब भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम लोग कोई ले लो ये राज, अभी राज मुझे नहीं करना। ऐसा टूट गए थे इस बात को सुनकर के कि सीता के लिए ऐसा सोच लिया लोगों ने। तो जो निर्वासन हुआ वास्तव में सीता का नहीं, वो राम ने अपने आप को निर्वासित कर लिया है सबका मन रखने के लिए। सारे भाई तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपके बिना कोई राजा नहीं हो सकता, प्रजा तैयार नहीं। तो ये जो राम और सीता की प्रेम कथा है वो इस सारे लोक चिंता से जुड़कर के प्रेम कथा बनी हुई है। उसके ताने बाने में यह प्रेम कथा, एक अद्भुत प्रेम कथा यह इस रूप में बनती है। तो सीता भी इस बात को जानती है कि अन्योन्य राघवेणाम भास्करेण प्रभा यथा, जैसे सूरज से उसकी किरणें अलग नहीं हो सकती, उस तरह से मैं राम से अलग नहीं हूं, राम सूरज की तरह से हैं तो मैं उनकी किरण। ये सीता कई बार कहती हैं। हनुमान जब सीता को देखते हैं तो तुरंत, हनुमान तो कितने विद्वान ज्ञानी हैं, हनुमान का भी चरित्र वैसा फिर रामायणों में नहीं है, बाकी रामायणों में वो तो भक्त पूरी तरह से बन जाते हैं।
वाल्मीकि रामायण में तो वो परम ज्ञानी, वो भाषा के इतने बड़े महान ज्ञाता हैं, सीता को देखते ही समझ जाते हैं कि क्या है सीता। वो कहते हैं कि इन्हीं के कारण राम अभी तक जीवित है, मैं समझ गया ये वो स्त्री है जिसका ध्यान करते हुए राम किसी तरह अपने आप को संभाले हुए हैं। ये अस्या देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्याम प्रतिष्ठितम् तेनयम से च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति। इस देवी का मन राम में है। सीता को देखते ही समझ जाते हैं कि राम इनके भीतर रमे हुए हैं। और तस्य चास्याम प्रतिष्ठितम्, राम का मन इसके भीतर, इस देवी के भीतर है। दोनों एक दूसरे से इस तरह से एकाकार हैं, इसीलिए दोनों जीवित हैं ऐसे संकट के क्षणों में। ये जो प्रेम है, ये जो एकाकार होना है प्रेम में, सीता से राम का यह प्रेम है। लेकिन उसी तरह से एक राजा के रूप में राम जो है अपनी जनता से भी एकाकार हैं। इतनी गहराई से अपने लोगों को राम, और किसी ने शायद नहीं चाहा जैसा कि राम ने चाहा, तो वो अपने को उनसे भी अलग नहीं समझते। इसीलिए तो इस सीमा तक वे निर्णय लेते हैं कि सीता को त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये वाल्मीकि के राम हैं। और भी कई राम के चरित्र के पक्ष हैं। बड़ा चरित्र है जो राम के रूप में वाल्मीकि ने चित्रित किया, लेकिन समय की भी सीमा होती है। फिर कभी रामायण पर और वाल्मीकि के रामायण पर और वाल्मीकि के राम पर चर्चा करने का अवसर आएगा, तब फिर कभी हम बात करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना और मुझे यह अवसर दिया, स्वामी जी ने यह अवसर मुझे प्रदान किया। उनके प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, इसलिए इतना ही कह सकता हूँ। राम की तरह मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अपने मन में कभी ये बात भी नहीं आने दूंगा कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ करना है। तुमने जो किया है वो अपने भीतर इस तरह से रमा लूंगा कि निरंतर तुम्हारी याद रहेगी मुझे, और तुम मुझ में और मैं तुम में हो जाऊंगा। इतना गहरा प्रेम हनुमान का राम से, उतना होने की कोशिश हम कर सकें तो हम राम से कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।